गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TSN क्लास 6 साइंस सेशन. सो वी आर एट चैप्टर 15 विच इज एयर अराउंड अस. और अभी तक हमने जो सेशंस करे हैं उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि यू कैन सी एयर, यू कैन ओनली फील इट. देन वी हैव डिस्कस दैट इज एयर अराउंड अस, लाइक इज एयर अराउंड एवरीवेयर. सो हमने ये चीज़ उस जो एम्प्टी बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट था हमने उससे डिस्कस करी थी कि एम्प्टी बॉटल अगर वो सीधी हो या उल्टी हो, इट डजेंट मैटर, एयर उसमें हमेशा प्रेजेंट होगी. तो हमने वो एक्टिविटी करी थी जिसमें से हमने जैसे ही बॉटल अंदर डाली थी तो उसमें पानी नहीं फिल हो रहा था जस्ट बिकॉज एयर वॉज इनसाइड इट. और जैसे ही हमने उसे थोड़ा टिल्ट किया, वॉट हैपन्ड स्टूडेंट्स, जो उसको जो एयर है उसको जाने की स्पेस मिल गई एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, जो एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर आ गई और अंदर पानी फिल होने लग गया. सो नाउ वी आर एट अ टॉपिक 15.2, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ. सो हमने अभी तक ये चीज़ डिस्कस कर ली कि एयर होती क्या है, एयर किस तरीके से हमें फील होती है, क्या होता है, लेकिन एयर बनी किस चीज़ से, विल डिस्कस टुडे. अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस. जो 18th सेंचुरी थी, 18th, अब हम 20th सेंचुरी में, तो 18th सेंचुरी जो थी उसमें ये लोग समझते थे कि जो एयर है वो जस्ट एक कंपोनेंट से बनी है या एक सब्सटेंस से बनी है. एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव दैट इट इज़ रियली नॉट सो. एयर इज मिक्सड ऑफ मैनी गैसेस. व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट? लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर वन बाय वन. जो 18th सेंचुरी में बात हो रही थी कि जो एयर है वो सिर्फ एक सब्सटेंस से मिलकर बनी है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. तो एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ प्रूव करी है कि इट इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. तो अब हमें ये पता है कि एयर एक सब्सटेंस से नहीं बनी है, इट इज़ मिक्सड ऑफ मैनी गैसेस. तो जो गैसेज हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. और एक्चुअली में गैस एयर जो है वो किस चीज़ से बनी है? फर्स्ट इज़ वाटर वेपर. We have learned earlier that the air contains water vapors. We also saw that when air comes in contact with the cool surface, it condenses and drops of water appears on the cooler surfaces. ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी इससे पहले वाला जो डिस्कशन हमने किया था कि अगर हम लोग एक ग्लास के टम्बलर में आइस डाल दें तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ग्लास के जो टम्बलर है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगेंगी. ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट किस वजह से होती है? बिकॉज द एयर विच इज अराउंड, लाइक द वाटर वेपर विच इज अराउंड द टम्बलर कंडेंसेस जस्ट बिकॉज ऑफ द आइस. तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था. एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर. अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले वाला चैप्टर में एक वाटर रेन वाटर सिस्टम देखा था या वाटर सिस्टम देखा था, वाटर साइकिल देखी थी. उसमें क्या होता है कि जो एयर में वाटर वेपर्स होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन वाटर साइकिल. सो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एयर. फर्स्ट हमने वाटर वेपर पढ़ लिया, सेकेंड इज ऑक्सीजन. एंड फॉर ऑक्सीजन विल डू अ एक्टिविटी विच इज एक्टिविटी 3. इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ ऑन टेबल. लाइट बोथ ऑफ द कैंडल्स, कवर वन ऑफ द कैंडल विथ एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर. ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली. अब हमें क्या करना है, एक टेबल पे हमें क्या करना है, जैसे आप ये इस वाले फिगर में देख पा रहे हैं, हमें दो एक टेबल पे दो कैंडल्स लगानी है ऑफ द सेम लेंथ. ठीक है, सेम टाइम पे उनको ब्लो जलाना है. उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो कैंडल है एक कैंडल को फ्री छोड़ देना है नॉर्मली, दूसरी जो कैंडल है उस पर एक ग्लास टम्बलर रख देना है. लाइट बोथ द कैंडल्स, कवर वन ऑफ द कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर. ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली. आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये एक्टिविटी करने के बाद उसको ऑब्जर्व करना है. डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ? दोनों कैंडल्स जल रही होंगी या फिर बंद हो जाएंगी, ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर गॉट extinguished after some time, whereas the other candle continues burning. क्या होता है, जो कैंडल टम्बलर, जिस कैंडल के ऊपर हमने टम्बलर रखा है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. ठीक है, ऑफ हो जाती है. और जो कैंडल फ्री है जिसमें हमने कोई टम्बलर नहीं रखा है वो क्या कर रही होती है, ब्लो कर रही होती है, तब भी बर्न हो रही होती है, जल रही होती है.
अब इसके पीछे रीज़न क्या है? अब रीज़न है एक्चुअली में जो हमने टम्बलर रखा था, तो टम्बलर रखने से क्या हुआ, जो एयर अंदर ट्रैप हो चुकी है उस टम्बलर के अंदर वो वहीं रह जाती है और बाहर से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब हमें ये चीज़ पता है, हमने ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में करी थी, जो बर्निंग है उसमें क्या यूज़ आती है, ऑक्सीजन यूज़ आती है। तो जो टम्बलर के अंदर जो एयर ट्रैप हो चुकी है और उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज कर लेगी कैंडल। जब तक उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तक कैंडल ब्लो होगी, लेकिन जैसे ही वहाँ उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, जो कैंडल है वो जलनी बंद हो जाएगी और वो बर्निंग, उसकी जो बर्निंग सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न वो कैंडल बंद हो जाएगी और जो फ्री बिना टम्बलर की जो कैंडल है वो जलती रहेगी। इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कॉम्पोनेंट इनसाइड द गैस टम्बलर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज लिमिटेड। अब क्या चीज़ है, जो वो जो कैंडल टम्बलर के अंदर थी वो बंद हो गई है। वो क्यों हो गई है, क्योंकि जो भी उसको सब्सटेंस या फिर जो भी उसको कंपोनेंट चाहिए होता है जलने के लिए वो उस टम्बलर के अंदर जितना था तब तक वो जली, और जब बंद हो गया तो वो कैंडल भी बंद हो गई। विथ सपोज बर्निंग इज लिमिटेड, मोस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट इज यूज अप बाय द बर्निंग कैंडल्स, हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर। जो दूसरी कैंडल है जिस पर टम्बलर हमने नहीं रखा है वो क्या होगी, उसको कंटिन्यूस एयर का सप्लाई मिलता रहेगा, उसको वो सब्सटेंस जो कि जलने के लिए हेल्पफुल है वो मिलता रहेगा, और इसी वजह से क्या होगा, वो वाली कैंडल जलती रहेगी। दिस कॉम्पोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। अंडरलाइन दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल और फॉर एनी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स बर्निंग। ओके, तो हम अभी दो कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। सो द थर्ड वन इज नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डू यू ऑब्जर्व दैट द एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास टम्बलर इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो ऑफ। एक्टिविटी 3 जो अभी जस्ट हमने एक्टिविटी करी थी कैंडल वाली, उसमें हमने ये क्या चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो ग्लास बॉटल या ग्लास टम्बलर है जिसमें उसमें जो भी एयर थी तब तक जल रही थी और जैसे ही उसमें उसका सब्सटेंस खत्म हो गया वो बंद हो गई। दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंट ऑफ सब कॉम्पोनेंट इन द एयर विच डजेंट सपोर्ट बर्निंग, द मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डजेंट सपोर्ट बर्निंग इज नाइट्रोजन। अब उसमें 100% उसमें ऐसा कोई कॉम्पोनेंट होगा जो बर्निंग को सपोर्ट करता है वो ऑक्सीजन हो गई, और जो सप्रेस करता है वो भी तो ऐसा कुछ कॉम्पोनेंट होगा, एंड विच इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डजेंट सपोर्ट द बर्निंग ऑफ कैंडल और एनीथिंग। तो अब ये चीज़ें 3 पढ़ चुके हैं, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब हम 4th वाला पढ़ेंगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर जस्ट बिकॉज ऑफ अस। हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज आती है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर चली जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है वो ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटीरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। अगर एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए जिसमें कुछ मटेरियल जल रहा हो, जैसे घर में भी हम लोग नॉर्मली सर्दियों में जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो हम रूम बंद नहीं करते बिकॉज उसमें इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है जो कि सफोकेशन क्रिएट करती है। दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी अक्यूमुलेटेड इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यूज। किस वजह से वो सफोकेशन होता है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी अक्यूमुलेट इन द रूम एज द बर्निंग कंटिन्यू। जो बर्निंग कंटिन्यू हो पा रही है उसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाती है जो हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम देती है एंड अल्टीमेटली हमें सफोकेटेड फील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कॉम्पोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। बहुत कम परसेंटेज में होती है बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन एयर। प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरलाइन दिस लाइन, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन प्रोड्यूस्ड। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। प्लांट और एनिमल का कोई भी मैटर हुआ, मान लो प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट है सूख गया हो या गीला हो, इट डजेंट मैटर, अगर हम उसे बर्न करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगी बर्निंग और क्या मेनली क्या छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड।
It is advisable not to burn dry leaves and discard remaining of the crop which pollute our surrounding. ये एडवाइस दी जाती है कि जो ड्राई लीव्स होती है उनको जला कर छोड़ नहीं देना चाहिए बिकॉज इट डिस्कार्ड रिमेन्स इन द क्रॉप विच पल्यूट आर सराउंडिंग. उसकी जो रिमेनिंग बचा होता है वो क्या होता है, हमारी मिट्टी में पड़ा रहता है, फिर क्रॉप्स की वजह से वो उस सराउंडिंग को पॉल्यूट करता है. ठीक है, तो जो बर्निंग या फिर जो रिमेनिंग रहता है बर्निंग का, ड्राई लीव्स का, उन्हें क्रॉप में नहीं छोड़ना चाहिए. आप नॉर्मली ड्राई लीव्स को छोड़ सकते हैं सॉइल में, इट विल अल्टीमेटली गेट डिकम्पोज्ड, बट जो बर्न वाला जो पार्ट है या जो उसके एशेज बोल सकते हैं वो नहीं छोड़नी चाहिए क्रॉप में या फिर सॉइल में. इट विल अल्टीमेटली पॉल्यूट द सराउंडिंग एंड द एनवायरमेंट. सो जो हम अभी चार पार्ट्स पढ़ चुके हैं एयर के, वो जो फिफ्थ पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, आई बी सेंडिंग यू फ्यू नोट्स. Do it in your copy and have a nice day. Thank you. Take care.